السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام تعریفیں اللہ مالک الملک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو اکیلا ہمارا مشکل کشا اور حاجت روا ہے. ان گنت درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سر چشمہ بنا کر بھیجا. اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا، انہیں ایک ہی مشن دے کر بھیجا، اور وہ مشن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے تک صرف ایک مشن تھا. یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، ایک اللہ مالک الملک کو اپنا مالک و خالق مان لو، اس اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کی صفات میں شریک نہ کرو، وہ چاہے لات منات حبل اور عزا کی شکل میں ہو، وہ چاہے ود سوا یعوق یعوس اور نصر کی شکل میں ہو، وہ چاہے اولیاء اللہ کی شکل میں ہو، یا وہ چاہے انبیاء کرام کی شکل میں ہو. جن لوگوں نے اپنے دین میں غلو کیا، جنہوں نے اولیاء کی شان کو، انبیاء کی شان کو ناجائز طریقے سے بڑھانے کی کوشش کی، اللہ نے انہیں ملعون قرار دے دیا.
और वो मलऊन कौन है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि जिन्होंने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा वो यहूद थे, और जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा वो ईसाई थे। अल्लाह ने दोनों ही को मलऊन करार दे दिया, लानती करार दे दिया, और फरमाया कि ये काफिर हैं, इनका ठिकाना जहन्नम है। या अहलल किताब ला तगलू फी दीनकुम, ए अहले किताब अपने दीन में गलू ना करो। जो हुक्म अल्लाह ने दे दिया, जो शरीयत अल्लाह ने नाजिल कर दी, उसमें बेजा किस्म का रद्दो बदल ना करो। अपने हाथों से अल्लाह की लाई हुई शरीयत को बदलने की कोशिश ना करो। ये जुर्म यहूदो नसारा का था, उन्होंने लाई हुई शरीयत को, जो किताब उन पर नाजिल की गई, उन्होंने उसे बदल दिया। और उनके मौलवियों और दरवेशों ने क्या किया, अपने हाथों से तहरीफ करनी शुरू कर दी। अगर कोई गरीब आदमी कोई जुर्म कर बैठता, अगर किसी गरीब से कोई जुर्म हो जाता, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती। और अगर कोई बादशाह, अगर कोई अमीर, अगर कोई वजीर कोई जुर्म करता, उसे कुछ भी ना कहा जाता। ये मामला आज भी है, इसलिए कि सही बुखारी की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करने वाले हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, पेशन गोई कर दी कि मेरी उम्मत जो है हूबहू अपने से पहली उम्मतों की मुशाबियत करेगी। जैसे एक हाथ दूसरे हाथ के बिल्कुल बराबर होता है, जिस तरह बालिश्त बालिश्त के बराबर होती है, इसी तरह मेरी उम्मत जो है वो पहली उम्मतों की मुशाबियत करेगी, उनके पीछे चलेगी। सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे मुराद यहूदो नसारा हैं, मजूस और अहले फारस हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो और कौन है? यानी कैसर और किसरा, मजूसी और यहूदी जो हैं, इससे मुराद वो हैं, उन्होंने अल्लाह की शरीयत को बदला, उन्होंने अल्लाह के नबियों की शान में गुलू किया, उन्होंने अल्लाह की शान में गुस्ताखियां की। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सही सनद से इमाम अहमद बिन हंबल जो है इस रिवायत को नकल करते हैं, कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जो जिस किस्म की गाली जो है, जिस किस्म की जो तजलील जो है, जिस किस्म की तौहीन यहूदियों ने और ईसाइयों ने अल्लाह की है, सारी इंसानियत में किसी ने नहीं की। और वो तजलील और तौहीन क्या है? हजरत उमर फरमाते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हो कि जो गाली इन यहूदो नसारा ने नाउज़ु बिल्ला अल्लाह को दी है, सारी इंसानियत में किसी ने वो गाली नहीं दी। और वो गाली क्या है? इत्तखज़ल्लाहु वलदा, अल्लाह ने बेटा बना लिया। अल्लाह ने वाज़े ये बात फरमा दी, सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह फरमाता है कि इबन आदम मुझे गाली देता है और इबन आदम मुझे झुठलाता है। कौन कहता है? हमारा रब कहता है। इबन आदम मुझे गाली देता है, इबन आदम मुझे झुठलाता है। कैसे गाली देता है? अल्लाह कहता है, मैं अकेला हूं, मैं बेनियाज हूं, मेरा कोई हमसर नहीं, लेकिन ये कहते हैं अल्लाह ने बेटा बना लिया। इत्तखज़ल्लाहु वलदा, अल्लाह ने बेटा बना लिया, अल्लाह ने बेटा पकड़ लिया। और जबकि अल्लाह का कुरान कहता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, कि अल्लाह अकेला है, अल्लाह बेनियाज है, ना अल्लाह से कोई पैदा हुआ, ना अल्लाह किसी से पैदा हुआ, और अल्लाह का कोई हमसर नहीं। इससे बड़ी तौहीन क्या होगी? और ये तौहीन करने वाले हैं कौन? ये तौहीन करने वाले वो हैं कि जो अल्लाह के दुश्मन हैं, जो अल्लाह के नबियों के दुश्मन हैं, जो इस इस्लाम के दुश्मन हैं, जो कुरान के दुश्मन हैं। और ये दुश्मनी कोई नई नहीं है, ये दुश्मनी बहुत पुरानी है। ये दुश्मनी उस वक़्त से शुरू हुई कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबुवत से सरफराज किया। इस दुश्मनी की वजह क्या है?
ईसाइयों की किताबों में ये बात मौजूद थी कि एक आखिरी नबी आने वाला है जिसका नाम अहमद होगा, और इन ईसाइयों को यहूदियों को इंतजार था उस नबी का। लेकिन अल्लाह ताला भी आजमाना चाहता था, अल्लाह भी ये बताना चाहता था कि मुनाफिक कौन है, मलहून कौन है, और किन के दिलों में जो है बीमारी है, किन के दिलों में अल्लाह के लिए बुगज़ है, अल्लाह के नबियों के लिए बुगज़ है। तमाम अंबिया कराम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से आते रहे, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हों, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हों, जितने अंबिया कराम हैं, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हों, तमाम के तमाम अंबिया हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से आते रहे, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। लेकिन आखिरी नबी कहाँ से आया? आखिरी नबी भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से आया, लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से। और इन यहूदियों और ईसाइयों को हसद हो गया, इन्हें ये तकलीफ हो गई कि तमाम के तमाम अंबिया कराम हमारे खानदान में से आ रहे थे, ये आखिरी नबी जो है वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से क्यों आ गया? यही वो हसद और बुग्ज़ था कि इन्होंने मुसलमानों के साथ और खसूसन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी में कोई कसर न छोड़ी। वो हिजरत का मौका हो, वो मदीना में हिजरत का मौका हो, इन्हीं यहूदियों ने मुशरिकीन मक्का के साथ साजबाज करके जितने गजवात हुए मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने की नाकाम कोशिश की गई, वो यहूदन थी जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत पर बुलाया और उस गोश्त में जहर मिला दिया। जिस सहाबी ने खाया वो फौत हो गए, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुकमा जो मुंह में डाला तो ये अल्लाह ताला की तरफ से मौजज़ा था। लुकमे ने बोलकर कहा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मत खाइए, मेरे अंदर जहर है। यही यहूदियों की दुश्मनी की वजह से ग़ज़वा खैबर हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब में से, मक्का और मदीना में से इन यहूदियों को भगा दिया, इन्हें निकाल दिया, इनकी मुनाफ़क़त की वजह से, इनकी इस्लाम दुश्मनी की वजह से। और जब मुसलमानों का ये मुकाबला न कर सकते थे, ये यहूदो नसारा की हमेशा से खसलत रही है, जब ये कमज़ोर होते हैं तो ये दबक जाते हैं, और फिर ये अंदरूनी साजिशें करते हैं, फिर ये खुलकर सामने नहीं आते बल्कि मुनाफिकाना रविश इख्तियार करते हैं, मुसलमानों के अंदर फितना और फसाद पैदा करते हैं। इन्हीं यहूदियों ने मुसलमानों के अंदर एक ऐसे फिरके को जन्म दिया, एक ऐसी साजिश इन्होंने तैयार की। जब ये कमजोर हो गए, इन्होंने अपने एजेंट अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी को खड़ा किया, और उसने मुसलमानों के अंदर एक ऐसा फितने का दरवाजा खोला कि जो आज तक बंद ना हो सका, और मुसलमान एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हैं। इस अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी ने सहाबे कराम की शान में गुलू किया और एक ऐसा फिरका जन्म दिया कि जिनकी असास ही शिर्क है, जिनके अकीदे ही मुशरिकाना हैं, जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह की सीट पर बिठाना चाहते हैं। और यही काम यहूदो नसारा का है, और बात यहां पर खत्म नहीं हो जाती। इन्हीं ईसाइयों ने, देख लें, जब बरे सगीर पाक व हिंद में जब इन ईसाइयों ने हमला किया, इन्होंने टीपू सुल्तान को शहीद करवाया, इन्होंने बरे सगीर पाक व हिंद पर कब्जा किया, बहादुर शाह जफर की बादशाहत को खत्म करके उसके बेटों को कत्ल करवा दिया। 1857 की जंगे आजादी देख लें, मुसलमानों को दरख्तों के ऊपर सरेआम फांसियां दी गईं, और इन्हीं के बारे में शूरश काश्मीरी कहते हैं कि किसी सांप और बिच्छू पर जो है एतमाद किया जा सकता है, इन अंग्रेजों पर एतमाद और एतबार नहीं किया जा सकता, ये मुसलमानों के दुश्मन हैं। और इसी तरह हम अपनी तारीख को उठाकर देखें,
हमें तारीख में इन लोगों की बगावत, इन लोगों की मुनाफकत और इन लोगों की इस्लाम दुश्मनी आम नजर आएगी। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्ला, बड़ा मशहूर नाम आप लोगों ने सुना होगा, पाकिस्तान बनने से पहले खत्म नबूवत के हवाले से बड़ी उनकी मेहनतें, उन्होंने उनका ये कॉल मिलता है, कहते हैं कि मैंने तारीख इस्लाम का जितना मुतालिया किया है, मेरी ये नसीहत है कि अगर इस्लाम का, अल्लाह का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो ये फरंगी है, वो ये यहूदो नसारा हैं। अगर ये काबे के खिलाफ का लिबास पहनकर आ जाएं, अगर ये जमजम से वजू करके आ जाएं, अगर ये हर वक्त गुसल करके तुम्हारे सामने आ जाएं, इनका एतबार न करना। लेकिन ये तमहीद बांधने का मकसद ये है कि हमें ये पता चल जाए कि जिनको आज हमने अपना दोस्त बना लिया, ये तो अजल से हमारे दुश्मन हैं। इन्होंने कोई ऐसा मौका जाने नहीं दिया जिसमें इन्होंने मुसलमानों की तजलील करने की कोशिश न की हो, इन्होंने मुसलमानों के खून से अपने हाथ न रंगे हों, इन्होंने मुसलमान औरतों की इज्जतों को न लूटा हो, इन्होंने मुसलमानों के बच्चों को यतीम न किया हो। अपने इर्द गिर्द जरा नजर दौड़ा कर देख लें, आज सबसे ज्यादा खून किसका बह रहा है, आज मुसलमानों की गर्दनें किस तरीके से कट रही हैं, और हमारे अंदर भाइयों माजरत के साथ दो किस्म के मुसलमान हैं। हर बंदा अपना मुहासबा कर ले, हमारे अंदर दो किस्म के मुसलमान हैं। एक वो मुसलमान हैं जो इन यहूदियों और ईसाइयों से नफरत करते हैं, और हमारे ईमान की अव्वलीन शर्त में से ये है कि जो अल्लाह का दुश्मन है उससे नफरत की जाए। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग्ज़ु फिल्लाह का अकीदा होना चाहिए, अल वला वल बरा का अकीदा होना चाहिए कि मोहब्बत अल्लाह के लिए और नफरत भी अल्लाह ही के लिए। जो मलऊन नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह को गालियां देने वाले, आज वो हमारे दोस्त बने हुए हैं, आज उनके त्योहार हम बड़े आराम से मना लेते हैं, आज उनको मुबारकबादें देते हैं। किस बात की मुबारकबाद देते हैं? क्या हम इस चीज पे राजी हैं कि उन्होंने अल्लाह का बेटा बना लिया, फिर हमें कलमा दोबारा पढ़ना चाहिए, फिर हम दायरा इस्लाम में नहीं रहते अगर हम उनके अकीदे की मुवाफकत करते हैं? अगर हम ये समझते हैं ये जो 25 दिसंबर है, हाँ ये वाकई यौम पैदाइश है, किसका यौम पैदाइश है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, जबकि तारीख की किताबों में ये बात भी गलत है, ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश भी नहीं, लेकिन ईसाइयों ने इसको अपना ईद का दिन बना लिया और हमने भी उनकी ईदों को मनाना शुरू कर दिया, हमने भी मुबारकबादें देनी शुरू कर दी, हमने भी क्रिसमस के केक काटने शुरू कर दिए। आम लोगों की बात नहीं करता मैं, उन मौलवियों की बात करता हूं, मैं उन उलमा की बात करता हूं जो दावा करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का, लेकिन दरअसल वो यहूदियों के एजेंट हैं। इनके साथ इन्हें अपना भाई समझना, इनकी दावतों में शरीक होना, इनके क्रिसमस के केक अपने मदरसों में काटना, ये इस बात की वाज़े दलील है कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं। नबी का सबक तो ये है, खालिफुल यहूदा वन नसारा, यहूदियों और ईसाइयों की मुखालफत करो। सारी जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी में, वो दीनी मामला हो वो दुनियावी मामला हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी मुखालफत की। और आज जंगी महाज में तो हमारा खून बह ही रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं। मैंने अभी जिक्र किया था कि हमारे अंदर दो किस्म के मुसलमान हैं, एक वो मुसलमान हैं जो वाकई इन यहूद नसारा को मलऊन समझते हैं, अल्लाह की लानतों का मुस्तहिक समझते हैं, इन्हें अपना दोस्त नहीं समझते, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको खत्म करने के लिए, जिनकी गर्दनें काटने के लिए आज सारा यहूद और सारा हनूद इकट्ठा है। और दूसरे वो मुसलमान हैं जो हम जैसे मुसलमान हैं, जो हम जैसे मुसलमान हैं कि जो नजरियाती तौर पर जंग हार चुके हैं, नजरियाती तौर पर हम उनके दीन को, हम उनके तौर तरीकों को पसंद कर चुके हैं, हम उनके निजाम की तारीफ करते हुए नहीं थकते, हम मुसलमानों के घरों में तो पैदा हुए
लेकिन हमारी मईशत, हमारी माशरत, हमारा उठना बैठना, हमारी बोलचाल, हमारा लिबास तमाम का तमाम यहूद नसारा वाला है। उनकी जुबानें सीखने में कोई गुनाह नहीं, उनका लिबास पहनने में कोई गुनाह नहीं, अगर हम उसको अच्छा ना समझें, अगर हम दिल में उनके लिए मोहब्बत ना रखें, अगर हम उनके निजाम को अपने निजाम से बेहतर ना समझें। उन लोगों की हालत तो ये है कि अगर कोई ईसाई जो है मुसलमानों के निजाम को अच्छा समझे, मुसलमानों के तौर तरीके अपनाने लगे, तो उनको तो जिंदा जला दिया जाता है, कुफर के फतवे लग जाते हैं। आज कितने मुसलमान हैं बड़ी खुशी से क्रिसमस मनाते हैं, बड़ी खुशी से हैप्पी न्यू ईयर के कार्ड भेजते हैं, और हमें अपनी तारीख का भी पता नहीं कि ये अंग्रेजी साल जो है इससे हमारा क्या ताल्लुक है। हमारे लिए तो इस्लामी महीने हैं जिसका पहला महीना मुहर्रम है। हमारा तो ये साल ही नहीं, ये तो ईसाइयों का और ये तो यहूदियों का बनाया हुआ निजाम है, और हम ये तो है कि इसको मानना, इसको मनाना। दूसरी तरफ जिस तरीके से वो मनाते हैं, हम तो उस तरीके से मनाते भी नहीं। हम तो दीनी हमियत और गैरत का जनाजा निकाल देते हैं। कहीं पे शराब की महफिलें हैं, कहीं पर रक्सो सरूर की महफिलें हैं, और कहीं पर हमारी नौजवान नस्ल जो है इस रात को हैप्पी न्यू ईयर की नाइट जो मनाती है, अखबारों में पढ़ते रहते हैं आप। क्या ये मुसलमान हैं? वजा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। हमारा तो वो मामला है। दीनी गैरत का होना तो बहुत दूर की बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा होना तो बहुत दूर की बात है। हम तो वो मुनकरात और वो हराम काम करते हैं कि जो बहैसियत मुसलमान हमारे ऊपर हराम है। अल्लाह कुरान में कहता है कि इन यहूद नसारा को अपना दोस्त न बनाओ। अल्लाह कुरान में कहता है ये यहूदी और ईसाई तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तब या मिल्लतहुम, कि ये यहूदी और ईसाई तुमसे राजी नहीं होंगे। ये राजी हैप्पी न्यू ईयर मनाने से राजी नहीं होंगे, ये क्रिसमस के केक काटने से राजी नहीं होंगे, इनको मुबारकबादें देने से ये राजी नहीं होंगे। इसमें तुम्हें नजरियाती तौर पे तो ये मुसलमानों की सबसे निकाल देंगे, लेकिन राजी असल में ये तब होंगे हत्ता तत्तब या मिल्लतहुम, कि जब तुम इनकी मिल्लत को इख्तियार कर लोगे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हजरत अबू मूसा अशरी रिवायत करने वाले हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल इसको रिवायत करते हैं, हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि मेरे पास एक कातिब वही है, एक कातिब है, लिखने वाला है, वो यहूदी है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क करे, तूने एक इस्लाम के दुश्मन को, अल्लाह के दुश्मन को तूने कातिब वही रखा, तुझे कोई मुसलमान नहीं मिला, तुझे ये अल्लाह का फरमान मालूम नहीं, ला यत्तखिज़ुल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, के मोमिनों के लिए ये जायज नहीं है कि वो अल्लाह के दुश्मनों को, इन काफिरों को, मोमिनों को छोड़कर दोस्त बनाए। अबू मूसा अशरी फरमाने लगे कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से कि मुझे तो उसके काम से मतलब है, उसका दीन उसके लिए, मेरा उसके दीन से कोई ताल्लुक नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो जवाब में कहा वो हमारे लिए भी सबक है। कहा कि मैं उसका इकराम नहीं करता, किसका? उस यहूदी और ईसाई का, कि जिसका का इकराम अल्लाह ने नहीं किया। मैं उस यहूदी ईसाई को इज्जत नहीं देता जिसको अल्लाह ने जलील कर दिया, और मैं उस यहूदी और ईसाई को अपने करीब नहीं करता जिसको अल्लाह ने अपने से दूर कर दिया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन का मतलब है क्या? हर नमाज में पढ़ते हैं, कभी गौर भी किया कि इससे मुराद क्या है? वो कौन लोग हैं जिन पे अल्लाह का गजब हुआ? वो कौन लोग हैं जो गुमराह हुए? मुफस्सिरीन इस बात से, इस आयत से बताते हैं कि जिन पर गजब हुआ और जो गुमराह हुए यहूदो नसारा है।
और जिन पर अल्लाह का गजब हुआ हो, जिन पर अल्लाह की लानतें हुई हों, आज वो हमारे दोस्त हों और हम मुसलमान हैं। भाइयों, ये बात जहन में रख लें, अगर तो हम मुसलमान हैं फिर हमें मुनाफ़क़त को छोड़ना होगा, या तो हमें खुलम खुला यहूदो नसारा का दोस्त बन जाना चाहिए। आधा तीतर आधा बटेर इस्लाम में नहीं चलता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमा दिया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है वो उसी में से उठाया जाएगा। और ये बात अपने जहनों में बिठा लें, आज उनके निज़ाम को अच्छा समझने वाले, आज उन्हीं की तरह लिबास इख्तियार इसलिए करने वाले कि हम उनके निज़ाम, उनके लिबास, उनकी बोलचाल को अपने निज़ाम, अपने इस्लाम के निज़ाम से बेहतर समझते हैं। तो ये बात जहन में रख लें, जो इस हालत में फौत हो गया, जो हमेशा यहूद नसारा की मुशाबियत करता रहा, इसी हालत में मर गया, क़यामत के दिन यहूद नसारा के साथ उठाया जाएगा। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, सूरह यासीन में अल्लाह फरमाता है कि ए मुजरिमों, आज अलहदा हो जाओ। कहां से अलहदा हो जाओ? वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों आज अलहदा हो जाओ। ये कौन से मुजरिम हैं? इनमें हर तरह के मुजरिम होंगे, इनमें शिर्क करने वाले भी होंगे, इनमें चोरियां करने वाले भी होंगे, इसमें शराब पीने और जना करने वाले भी होंगे, सबके ग्रोह अलहदा कर दिए जाएंगे। और इनमें वो भी होंगे जो यहूदियों और ईसाइयों को अपना पीर और मुर्शिद मानने वाले। अल्लाह कहेगा अलहदा हो जाओ। कलमा नबी का पढ़ा, अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार किया, जुबान से दावे किए कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत है, हम मुहिब रसूल हैं, लेकिन अल्लाह कहेगा अलहदा हो जाओ। मोमिनों के साथ, मुसलमानों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जब मुसलमानों के गले काटे जाते थे, तुम क्रिसमस के केक काटा करते थे। जब मुसलमानों की औरतों की इज्जतें लूटी जाती थी, तुम यहूदियों और ईसाइयों के साथ दोस्तियों के लिए हाथ बढ़ाया करते थे, उन्हें अपना भाई कहा करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, मुसलमान यहूदी का भाई नहीं हो सकता, मुसलमान ईसाई का भाई नहीं हो सकता। लेकिन आज हमने तो यहूद नसारा को अपना भाई बना लिया। ये सोचने की बात है कि आमद के दिन हम सब ने अल्लाह के सामने पेश होना है, और अगर अल्लाह ना करे हमें उस सफ में शामिल कर दिया गया जो यहूदियों और ईसाइयों की सफ है। इस हदीस से ये बात वाज़े होती है, जो जिस कौम की मुशाबियत इख्तियार करता है वो उसी में से उठाया जाएगा। अभी भी वक्त है, अल्लाह के दुश्मनों को अपना दुश्मन समझिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को अपना दुश्मन समझिए। ये नजरियाती जंग हम हार चुके हैं या हारने के करीब हैं। हमारे मीडिया में, हमारे घरों के टीवियों में, हमारे डिश और केबल में अगर कुछ नजर आता है तो ये यहूदी और ईसाई नजर आते हैं, इनका निज़ाम नजर आता है। हम उनकी तरक्की को देख कर बहुत ज्यादा मरऊब हो जाते हैं, हम इनकी सफाई सुथराई को देखकर, जो कि जाहिरी है, बातनी तौर पर ये नजस और पलीद हैं, हम मरऊब हो जाते हैं, हम इनकी खुशहाली देखकर मरऊब हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मुखातिब करके कहा, ए नबी, तू इनकी खुशहाली को देखकर इनसे मरऊब ना हो जाना, ये तो दुनिया का फायदा है। अगर अल्लाह फरमाता है कि मुझे ये डर ना होता कि तमाम अहले ईमान मुसलमान जो हैं अपने कदमों से फिर जाएंगे, मैं यहूदियों और ईसाइयों के घरों की छतों को सोने और चांदी का बना देता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की तो वक़्त ही नहीं है। अल्लाह तो इस दुनिया को मच्छर के पर के बराबर भी, अल्लाह के यहां इस दुनिया की वक़्त नहीं है। अगर इतनी वक़्त भी होती, अल्लाह फरमाता है मैं उन्हें पानी का एक घूंट ना देता। पच्चीस दिसंबर तो गुजर चुका, एक दिन के बाद इस अंग्रेजी साल का इख्तिताम होने वाला है। अपने घरों में बताइए
यहां तो शायद इतना तूफान बदतमीजी नहीं होता, अगर होता है यहां पर भी हमें गौर व फिक्र करना चाहिए, अपने भाइयों को बताना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान बरे सगीर पाक व हिंद में जो कुछ होता है, जिस तरीके से महफिलें आतिशबाजी मजूसियों और ईरानियों की सुन्नत को जिंदा किया जाता है, आतिश परस्तों और आग की पूजा करने वालों की सुन्नत को जिंदा किया जाता है और आतिशबाजियां की जाती हैं, पटाखे चलाए जाते हैं, रक्सो सरूर की महफिलें कायम की जाती हैं, होटलों के अंदर शराब नोशी की जाती है, ये कौन से मुल्कों में होता है? ये मुसलमानों के मुल्कों में होता है, उस मुल्क में होता है कि जिसको बनाने की जो असास बुनियाद नारा स्लोगन वो था ही ला इलाहा इल्लल्लाह। जिस नारे पे इस मुल्क को हासिल किया उसे तो फरामोश कर ही दिया, शैतान को तो हमने अपना दोस्त बना लिया, यहूदो नसारा के तरीकों पर हम चल पड़े, नजरियाती तौर पे ये यहूदो नसारा चाहते हैं हमें खोखला कर दें, हमें ऐसा मुसलमान बना दें कि जिनके अंदर गैरत नाम की कोई चीज ना हो। हमें तो कुरान का पता नहीं, हमने तो कुरान को पढ़ा नहीं, हमने तो कुरान को समझा नहीं, लेकिन इन यहूदियों और ईसाइयों ने समझ लिया। वो मलऊन, वो जिसका नाम टेरी जॉन्स है, जिसने इस किताबुल्लाह को जलाने की गुस्ताखी भी की, अगर किसी ने उसका इंटरव्यू सुना हो, हमें मालूम नहीं ये कुरान क्या कहता है, लेकिन वो खबीस कहता है कि मॉडरेट मुस्लिम का नारा झूठा है, मुसलमान कभी मॉडरेट नहीं हो सकता, मुसलमान क्या हो सकता है, मुसलमान सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटलिस्ट हो सकता है, मुसलमान सिर्फ बुनियाद परस्त हो सकता है, हम चाहे कहते रहें हम मॉडरेट मुस्लिम हैं, वो कहता है कि ये कुरान, ये इस्लाम की जो असास है, ये मुसलमानों की जो किताब है, ये कहती है कि यहूदो नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं, और हमें पता नहीं कि ये यहूदो नसारा हमारे दोस्त हैं कि नहीं। उसने सूरह तौबा का हवाला दिया, हमने कभी कुरान को तर्जुमे से पढ़ा हो तो पता हो, उसने सूरह तौबा का हवाला देते हुए कहा, उसने कहा कुरान की इस सूरत में वाज़े अहकाम है कि यहूदो नसारा को कत्ल करो, और हां ये हमारा मजहब और हमारा दीन यही कहता है, इस दुनिया में अगर निजाम चल सकता है तो सिर्फ एक अल्लाह वाहदहू ला शरीक का, अगर निजाम चल सकता है तो सिर्फ दीन इस्लाम का, जो इसको कबूल करेगा हमारा भाई है, जो कबूल नहीं करेगा या तो महकूम होकर रहेगा, या तो हमें टैक्स और जिजिया देकर रहेगा, या फिर गर्दनें कटवाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें यहूद नसारा की मुशाबियत से बचाए, अल्लाह ताला हमें इन्हें अपना दुश्मन समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. آج کا خطبہ جمعہ یہود و نصارہ کی مشابہت کے حوالے سے تھا، جو باتیں میں نے آپ بھائیوں کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھی ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا بھائی سمجھیں، ہم انہیں اپنا دوست سمجھیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، ہمیشہ ہمارے دشمن رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انہیں یہودیوں اور عیسائیوں کو ان پر ظلم مت کرو، لیکن انہیں ذلیل کرو۔ ذلیل کرو سے مراد یہ ہے انہیں ذلیل سمجھو۔ کیوں؟ فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ایسی گالی دی ہے
کہ جو انسانیت میں کسی نے نہیں دی. اللہ قرآن میں بھی ہمارے لیے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء هم بعض. اللہ کہتا ہے اے ایمان والو, یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہے کہ اے ایمان والو, یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اولیاء بعضهم, کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں, ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. بعضهم اولیاء هم بعض, اللہ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اس لیے اہل ایمان جو ہیں, ایمان لانے والوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے انہیں اپنا دوست بنانا یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. ان کے تہواروں میں شرکت کرنا, ان کی عیدوں میں شرکت کرنا, ان کے نظام کو اچھا سمجھنا, انہیں مبارکبادیں دینا اور ان کے لیے اچھے جذبات کا اظہار کرنا اور دل کے اندر محبت رکھنا یہ مسلمان کے لیے حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب مسلمانوں پر یہ باطل قوتیں, یہ یہود و نصارہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا جو ہے وہ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ اکرام نے سوال کیا حیرانی سے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم اس وقت تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بہت کثرت میں ہوگے, تعداد کم نہیں ہوگی. سوال کیا تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے, کیا ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تمہارے اندر وہن آ جائے گا. پوچھا وہم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت, کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. اس وقت کوئی بھی جو ہے مرنا نہیں چاہے گا, اللہ کے راستے میں جان دیتے ہوئے ان کی جان جائے گی, اور دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے, دنیا بنانے کے لیے, دنیا کا مال کمانے کے لیے ان کے اندر اتنی جو ہے حرص ہوگی کہ دنیا کماتے رہیں گے, مسلمانوں کی عزتیں لٹتی رہیں گی, مسلمانوں کی گردنیں کٹتی رہیں گی, لیکن انہیں اپنی دنیا کمانے سے فرصت نہیں ہوگی. یہی فرمایا کہ یہ وجہ ہوگی. یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے. آج دیکھ لیں مسلمانوں کی کتنی کثرت ہے. ان کے مقابلے میں کھڑا ہونا تو دور کی بات ہے, صرف اگر مسلمان ان کا معاشی بائیکاٹ ہی کر دیں, اگر ان کے بینکوں میں اپنی رکھی ہوئی رقوم جو ہیں وہی نکال لیں, ایک دن بھی یہ معیشت یہود و نصارہ کی کھڑی نہیں رہ سکتی. ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں, لیکن نظریاتی طور پہ ہم محکوم ہو چکے. ہم نے ان کے نظام کو اچھا سمجھ لیا, ہم نے ان کے نظام کو پسند کر لیا, ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر ان کی محبت کو غالب کر لیا, اور ہم نے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے عقیدے کو فراموش کر دیا. اللہ ہی کے لیے محبت کی جائے, اللہ ہی کے لیے نفرت کی جائے. اس کی مثال اس بات سے سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا ساتھ دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی, وہ چاہے حبشی غلام ہوں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی, ان کی دعوت پر لبیک کہا, اللہ نے انہیں رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کے سرٹیفکیٹ دے دیے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے لوگ جن میں ابو لہب بھی تھا, ابو طالب بھی تھا, اسی طرح اور قریشی سردار بھی تھے, جنہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا, ان کا ٹھکانہ جہنم بنا. حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا سگا بیٹا نبی پر ایمان نہیں لایا, اللہ نے طوفان نوح میں غرق کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بجو کی شکل میں جہنم میں پھینک دے گا. یہ تو ان لوگوں کی باتیں ہیں جو اپنے خاندان کے لوگ ہیں. تو جو لوگ یہود و نصارہ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا شرک کیا کہ جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا,
और अगर आज मुसलमानों में भी कोई ग्रोह ऐसे मौजूद हैं जो इस किस्म के बातिल अकीदे रखते हैं, भाइयों ये बात समझ लें, जहां पर यहूद व नसारा जाएंगे वहीं पर वो लोग जाएंगे जो उनके निज़ाम को अच्छा समझते हैं, जो मुसलमानों को छोड़कर उन्हें अपना दोस्त बनाते हैं, जो मुसलमानों की गर्दनें कटवाने के लिए यहूदियों और ईसाइयों का साथ देते हैं। ये बात अपने जहनों में बिठा लें। अगर क़यामत के दिन कामयाब होना चाहते हैं, आज इस बात का फैसला कर लें कि यहूदियों और ईसाइयों के हर मामले में उनकी मुखालफत करेंगे। अपने आप को भी इस बात के लिए तैयार कर लें, अपनी औलादों और अपने अहलो अयाल को भी ये पैगाम भेज दें कि यहूदियों और ईसाइयों की मुशाबियत न करो। अगर वो दाढ़ियां मुड़ाते हैं, आप लोग दाढ़ियां रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिफुल यहूद वन नसारा, अगर वो जो है जिस दिन वो इबादत करते हैं उनका दिन हफ्ते का दिन है, हमारा दिन जुमे का दिन है। वो लोग सहरी किए बगैर रोजा रखते थे, हम सहरी करके रोजा रखते हैं। वो देर से इफ्तार करते थे, हम जल्दी इफ्तार करते हैं। उन्होंने 10 महर्रम को आशूरा का रोजा रखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुखालफत में 9 और 10 दोनों के रोजे का कहा। हमारा नबी तो हर मामले में उनकी मुखालफत करने वाला। आज उसी नबी की मोहब्बत के दावे करने वाले अपने दावों में ये झूठे मुसलमान आज यहूद व नसारा की सारी उनकी तमाम हरकतों की मुशाबियत कर रहे हैं। और फिर भी हमें दावा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का और क़यामत के दिन उनकी शिफात का। भाइयों गौर कर लें, वक्त बहुत थोड़ा रह गया है, हमें नहीं पता कब किसकी मौत आ जाए, किस वक़्त मौत का फरिश्ता आ जाए, हमारी तैयारी हो जाए, हमें मौका ना मिले। आज अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी पर, अपनी ला इल्मी पर, अपनी कम इल्मी पर अल्लाह से माफ़ी मांगें। आइंदा के लिए इन यहूद व नसारा को अपना दुश्मन समझें। अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, मुसलमान सिर्फ मुसलमान का भाई है, न किसी यहूदी का भाई है, न किसी ईसाई का भाई है, न किसी हिंदू और किसी सिख का भाई है, ये सिर्फ मोमिन और मुसलमान का भाई है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला जो बातें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक की गई हैं, अल्लाह हमें इन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे तमाम मुसलमान भाइयों पर रहम फरमाए, तमाम मुसलमान मुल्कों पर रहम फरमाए, इन यहूद व नसारा को अल्लाह तबाह व बर्बाद फरमाए। मुसलमानों के ऊपर जितना जुल्म ये यहूद व नसारा कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन सब को तबाह व बर्बाद फरमा। अल्लाह ताला जितने बीमार हैं सब बीमारों को शिफाए कामला आजला नसीब फरमा। जिन भाइयों के घरों में परेशानियाँ हैं, माली या मईशत की या बीमारी की वजह से परेशानी है, अल्लाह तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। हमारी एक बहन के वालिद का कल इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला से दुआ करें साहिब ईमान इस दुनिया से गए तो उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। जितने साहिब ईमान हमारे आबाओ अजदाद में जा चुके हैं, ए अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। खसूसन जो कल इंतकाल हुआ है हमारी बहन का के वालिद का, अल्लाह ताला उनको भी जो है जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तमाम भाइयों की माली परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह ताला हमारी औलादों को नेक बनाए। अल्लाह हमारे ममालिक में अमन व अमान पैदा फरमाए। और जितने भी मुश्किलात हैं, मुसलमान आजकल आजमाइशों में घिरे हुए हैं, हर तरफ यहूद व नसारा की यलगार है, हर तरफ यहूदी और ईसाई मुसलमानों को काटने पर तुले हुए हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।